अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो काफ़ी टाइम से थोड़ा सा गायब रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन जो हो चुके हैं और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो रीज़न जो थी उसके बिहाइंड वो थी ये जो आप लोगों के सामने पड़ी है। सो मैंने कहा अपनी रीज़न को सामने लेकर आऊँ और फिर आप लोगों को बताऊँ कि मैं थी कहाँ बेसिकली। और ये है नेक्स्ट बैच ऑफ की चेन्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे कुछ की चेन्स, वो आप लोगों ने देखे थे, रेजिन के हैं ये सारे के सारे और डिफरेंट तरह की डिज़ाइनिंग और क्राफ्टिंग की है मैंने इनकी। आपको बताइएगा देख कर मुझे कि ये डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसको वन बाय वन। अच्छा, इसके अलावा एक और क्राफ्टिंग आजकल चल रही है वो है एम्ब्रॉयडरी वाली, उसमें डिफरेंट कलर्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ बट उसमें मुझे डेफिशिएंसी आ रही फ़िलहाल ग्लू की। सो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्लू लेकर ना तो फिर उसको कंप्लीट करके तो फिर मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। वो बहुत ही कलरफुल हैं और काफ़ी वो वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो दुआ में याद रखा करें। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लाइफस्टाइल की मेरी सारी अपडेट्स आती रहें। और चलें जी झटपट इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस शेप। सो ये है डिज़ाइन। ये मैं सनलाइट में बैठ के नहीं बना रही हूँ, मैं रूम में बना रही हूँ इसलिए आपको उतना जो है वो प्यारे तरीके से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ बट आप लोगों को डिज़ाइनिंग फिर भी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये नंबर वन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर टू। नंबर टू में मैंने शिमर को ऐड किया है। आई वॉन्ट टू हैव सम शिमर। तो ये जो गर्ल्स वगैरह हैं वो अपने बैग के ऊपर इसको लगा सकती हैं और फ्लॉन्ट कर सकती हैं। इसी तरह से आप लोग अपनी कार के जो हैं वो कीज़ को ये लगा सकते हो और अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें गर्लिश अपीयरेंस डाली है, इसमें भी मैंने गर्लिश अपीयरेंस डाली है और बॉयज़ के लिए भी मैंने बनाया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ ही। कुछ ऐसे हैं जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी दिस, इसमें हमने जो है वो स्टोन यूज़ किया है। ये देखें प्यारे से कलर के बीड्स इसके साथ मैच किए हैं मैंने। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कोई भी कीचेन किसी से भी मैच ना हो, तो लास्ट टाइम के जो बैच था ना उसके साथ भी मैच ना होता तो सारे ही अलग अलग दिखें देखने के लिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस वन। इसके कलर कॉम्बिनेशन देखें, इसमें मैंने नेचुरल फ्लावर्स भी यूज़ किए हैं, मतलब कि ये ड्राइड लीव्स जो थे मेरे पास मैंने इनको यूटिलाइज़ किया इसके अंदर एंड वॉज लुकिंग वेरी नाइस टू मी। सो मैंने इसको इस तरह से क्राफ्ट किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस अदर्स। देखें बोलते बोलते ब्लूपर्स आना पता नहीं क्यों नेसेसरी हो जाता है। पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। इसमें मैंने ट्रांसपेरेंसी मेनटेन करने की कोशिश की है और मैंने ब्लू और वाइटिश में कुछ करके जो है वो इसका डिज़ाइनिंग रेडी की है। अब एक और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरफ जाते हैं जिसमें थोड़ा शिमरी इफेक्ट भी डाला है मैंने। ये देखें कन्फिटीज़ ऐड किए हैं इसके अंदर मैंने और उसको जो है वो गोल्डन फॉइल के साथ किया है। ये देखें कितना खूबसूरत आता है। ये देखें ना, अगर आप सनलाइट में होती ना मैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा सकती लेकिन अभी बाहर काम हो रहा है सो इसलिए मैं सनलाइट में नहीं जा पा रही हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कलर्स में। मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ ऐड करते हैं सो आई एडेड ऑन दिस वन। ये मेरा बिल्कुल रिसेंट वन है। ये देखिए मेरे हैंड पे भी रेजिन वगैरह जो है कलर्स लगे हुए हैं, मीका कलर्स लगे हुए हैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा बेसिकली अपने लिए और लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब स्कूल बैग पे लगाओ बहुत ही अच्छा लगता है ये। आई लव इट, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। इसी से मैचिंग मैंने एक और डिज़ाइन भी बना लिया। मैंने कहा वास क्यों पीछे रहे तो मैंने वास के ऊपर भी लगाया। मेरे हैंड को इग्नोर कीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। उसमें हमारे पास आता है थोड़ी सी हमने टच दी है फ्रूट्स की। ये जहाँ बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ ना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा होता है चैलेंज के यहाँ पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि ये स्ट्रीट के करीब है तो वहाँ पे हर आने जाने वाला जो है उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस को जो है वो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ देखें डिफरेंट तरह के जो हैं वो फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर उसको अरेंज करके। सो आई मेड दिस वन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ ब्लैक बेस वन। ब्लैक बेस में हमने ये वाला यूज़ किया है, ये है आईफिल टावर। इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। ये करते करते आइडियाज़ आ रहे होते हैं और समटाइम्स जो होते हैं वो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, मतलब आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे होते व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सो ऐसे भी हो जाते हैं। ये वाला बिल्कुल उस हार्ट की तरह मैच किया हुआ मैंने। मैं कहा ज़रा थोड़े से बहन भाई लगेंगे ना तो अच्छे लगते हैं ऐसे, जस्ट लाइक ए ई ड्रेस, मतलब डिफरेंट शेप्स में क्योंकि किसी को कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो दे कैन टेक। इसमें अब हम जाते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये वाला ब्लैक और इसमें मैंने बड़े ही प्यारे से जो है ना फॉइल ऐड किए हैं ये वाले होलोग्राम टाइप, ये देख सकते हो आप। इसको मैंने 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट। इसमें हमारे पास कौन सा कीचन आ रहा है, ये देखें, ये भी ऑलमोस्ट इन दोनों जैसे ही हैं। इसमें हार्ट भी एक ब्लू में। डिटेलिंग पे मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया बहुत है। अब ये जो क्रिएटिविटी ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें अच्छे से समझ आती है कि क्या है। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी दफ़ा वीडियो को पॉज किया और राहगीरों को गुजरने का मौका दिया है, लेकिन ये देखें फिर से वही आवाज़ें हैं। सो आई हैव टू वेट मोर। ये आईफोन लवर्स लगा सकते हैं, दैट्स एन एप्पल, हाफ एप्पल, एप्पल का लोगो है बेसिकली। सो इस पे देखें कलरफुल जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा क्रिएट किया है। अब मैं आपको एक और प्यारा सा आईफोन टॉवर दिखाती हूँ, दिस वन। इसको हम रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, इट्स लाइक दिस। यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा इस तरह से। सो ये आईफल टावर में भी मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड की है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है हार्ट्स की तरफ, जाते हैं अब हम। ये हार्ट बेसिकली मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आया था। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमने जो है वो ये स्टोन्स ऐड किए हैं, नेचुरल स्टोन्स हैं सारे के सारे। बैक एंड पे देखें आप, और इसको जो है वो मैंने ब्लू के साथ कंबाइन किया है। इसमें ब्लू के डिफरेंट शेड्स ऐड किए हैं, सो इट सीम्स वेरी कूल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स दिस। इसको मैंने सादा सही रखा है और इसके अंदर मैंने नेचुरली जो है वो ड्राइड रोज उसको ऐड किया है। सो ये बेसिकली इसी के बहन भाई हैं, ये जो बड़े हैं ना ये वाले। तो ये रहे अब तक के सारे की चेन्स। देखिए थोड़ा सा ये दोनों आपस में मैच होते हैं, तो जिसको ये पसंद है वो साथ में ये भी ले सकता है, नहीं तो अप टू देम कि वो क्या पसंद करते हैं। ये वाला जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, होलोग्राफिक टाइप, और ये इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। ये वाला अच्छा है, मतलब इट सीम्स लाइक अ डोनट टाइप, उस तरह की अपीयरेंस आ रही है। एक और दिखाती हूँ आपको, सी दिस। डियर कैमरा प्लीज़ फोकस। अच्छा कैमरा का दिल नहीं करता ना कि वो फोकस करे इतना, आजकल एनर्जीज भी बहुत लो हो गई हुई हैं, तो इसीलिए शायद वीडियोज़ नहीं आती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये देखें जी, इसमें भी हमने नेचुरल स्टोन्स का यूज़ किया है, और ये इसकी डिज़ाइनिंग साथ में जो है वो मैंने इसके साथ ये स्मॉल से मिनिएचर्स, मतलब हार्ट और स्टार्स जो है वो ऐड किए हैं मैचिंग कलर के साथ। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द लास्ट वन। ये वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, और ये है बेसिकली अ की। इसके साथ अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी और करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हार्ट ऐड कर सकते हो, तो इट वुड सीम वेरी नाइस। और फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने जो है वो भी ऐसे ही क्रिएट किया है। तो ये करते करते मुझे आइडिया आया था, मैंने कहा ये आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो दिस इज़ ऑल एंड ऑल अबाउट द बैच नंबर 2, जो कि सारा का सारा सेव होने जा रहा है। मैं इसको जो है वो तरीके के साथ सेव करके तो बॉक्स में रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैं जैसे ही बैच 3 प्रिपेयर करती हूँ या फिर मेरे जो है वो वूलन क्राफ्ट कंप्लीट होते हैं, सो मैं आप लोगों के साथ उसके बैचेस शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। एक ये वाला है, इसके आप चाहो तो इयररिंग्स भी बना सकते हो, बट मुझे ये किचन में ज़्यादा प्यारा लग रहा था बिकॉज इट वॉज सो फिल्ड एंड अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सनलाइट में लेके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा शाइन में और अच्छे तरीके से नज़र आएंगी। कैमरा की क्वालिटी फ़िलहाल एज सच इतनी नहीं आ रही, वरना ये बड़े ही खूबसूरत से हैं। ये वाला जो है ये तो मेरा दिल ले गया ना, ये देखो। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कलर्स की तरफ ज़्यादा मूव करूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जब आऊँ ना तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ आऊँ, किचन के अलावा भी और प्रोडक्ट्स के साथ मैं आऊँ, तो ताकि जो बैज है ना वो आपको और निखार के साथ नज़र आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ कीजिए चैनल ग्रो कर जाए मेरा, और अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे कि मैं स्पीड के साथ काम कर सकूं जैसे मैं पहले कर रही थी। अल्लाह हाफिज़।
हाँ।